हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन और भाग ले रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अंग्रेजी में बोल चाल के लिए फ्रेजेज यानी छोटे छोटे वाक्यांश का प्रयोग किया जाना। आप जानते होंगे कि अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे शब्द प्रचलित हैं जो एक या दो शब्द से ही पूरे अर्थ व्यक्त कर लेते हैं, जैसे यस सर, नो सर, वेरी गुड सर। अंग्रेजी बोलने वाले और समझने वाले व्यक्ति इनसे परिचित होते हैं या फिर उन्हें परिचित होना ही चाहिए। आइए कुछ फ्रेजेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं अभी आ रहा हूं। अगर आप इसको व्याकरण के पेचीदगी से जानना चाहते हैं तो आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई एम कमिंग नाउ। लेकिन आप इतना से काम चला लीजिए, जस्ट कमिंग। यह व्याकरण के पेचीदा नियम से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए आकर्षक होता है हमारा अंग्रेजी। मैं अभी आ रहा हूं, जस्ट कमिंग, बहुत अच्छा, वेरी वेल, अच्छी बात है, नाइस, या वेरी गुड कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज, या एज यू विश कर सकते हैं, और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, और कुछ के लिए एनीथिंग एल्स का प्रयोग कर, बस रहने दो, दैट्स एनफ, दैट्स एनफ। इस सामान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। अच्छा, इसके लिए ओके का प्रयोग कर ले, क्यों नहीं, वाई नॉट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। ध्यान रखना, टेक केयर। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। हाँ जरूर, यस, बाय ऑल मीन्स। बहुत है, दैट इज टू मच। हाँ सर, यस सर। नहीं, कभी नहीं, नो, नॉट एट ऑल, नो, नॉट एट ऑल। आइए, वेलकम। आप इस तरह से छोटे छोटे फ्रेजेस से अपना काम चला सकते हैं। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। इसके जगह पर डजंट मैटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, डजंट मैटर, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कोई खास नहीं, नथिंग स्पेशल, भरोसा रखें, रेस्ट एश्योर्ड, बहुत दिन से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, जरा सा भी नहीं, नॉट द लिस्ट,
अच्छा चलते हैं, गुड बाय। आपको भी विदा, बाय बाय। इस तरह से आप फ्रेजेस से अपना काम चला सकते हैं और यह माना भी जाएगा कि आपकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी है और आकर्षक है। आप तमाम आने वाली इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं, एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुभ रात्रि।